हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से मेरे एक वीडियो में। आज की वीडियो है मेरी ग्राउंड नेट पे। मैं आई हूँ मेरे मम्मी के घर। मॉर्निंग का टाइम है, मुर्गे पुकार रहे हैं। ये है जी खेत की मूंगफली, देखो कच्ची वाली है, ग्राउंड नेट है। तो कच्ची मूंगफली लोग बहुत चाव से खाते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और एक बात बता दूं, ये किडनी को साफ़ करने में बहुत मदद करती है। जो बादाम से भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व इसमें होते हैं, हमें तो बहुत पसंद है। ये देखो बिल्कुल कच्चे दाने हैं। कच्चे दाने ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल, इसका एक अलग ही मज़ा है, अलग ही टेस्ट है। इसका स्वाद किसी और में मिल नहीं सकता। ये देखो धो रही हूँ, खेत के हैं, अपने खेत के हैं। तो मेरी बड़ी बहन लेके आई थी, मैंने धो के इसको 3-4 पानी से, मिट्टी इसको अच्छे से निकालना होता है। मिट्टी का पानी देखो कितना गंदा लग रहा है। 3-4 पानी से अच्छे से धोना है, उसके बावजूद मिट्टी नहीं निकलती है। 4-5 पानी से अच्छे रगड़ के धोना है। धोने के बाद फिर इसको रखूँगी मैं बॉईल। इसके अगर इसको बॉईल करके दोगे ना, हम तो मतलब बचपन से ही खा रहे हैं। मेरी मम्मी 5-5 किलो उबाल के रख देती थी। कभी उबाल के रखने से जैसे अंडा होता है ना, ऐसे ही ख़राब नहीं होता है। कच्चे खाने के भी अलग ही फायदे हैं। ये कच्ची फली कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। और इसके खाने के गुण बहुत ही बहुत ज़्यादा है। शरीर को जो एक ऊपर से झलकता है ना, वो अंदर से आपके शरीर को प्योरीफाई करेगा। अगर आप कच्चा मूंगफली खाते हो, कच्चा सींग दाना मिट्टी में से निकाल के लेके आके धो के बॉईल करे बगैर भी खा सकते हो। कच्चे गरी का टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े की बनती है ये फली। और जो हमारी किडनी वगैरह होती है ना, किडनी और लीवर, पेट के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये फली। इसके फ़ायदे गिनवाने लग जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये देखो मेरी बहन आई है, वो भी खा रही है बैठ के नीचे से। उबाल के हम रखे स्नैक्स में ये खा रहे हैं। आज मेरा स्नैक्स है मूंगफली, कच्ची मूंगफली बॉईल करी हुई। बॉईल करी हुई मूंगफली है आज मेरे वीडियो में। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये भी खाने के अलग सीज़न वाइज आती हैं। इसके साथ हम गुड़ और गरी और मूंगफली खाते हैं। मतलब त्योहारों में यहाँ के गैर खुम जो होते हैं, अदर कास्ट के जो होते हैं, वो लोग ये सब फलियाँ, बहुत तरह की फलियाँ, नट्स होते हैं, वो उबाल के रख के त्योहारों में खाते हैं, त्योहारों में खाते हैं। ये हमें बहुत